सब एक ही है ना, खून काटो तो एक ही निकलेगा ना। मैं हिंदू में विमल श्रीवास्तव हूँ, मगर मुस्लिम का खून काटो मेरा खून काटो देखते अलग निकलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स में, मैं हूँ किरण। हम मौजूद हैं लखनऊ के चारबाग स्टेशन पे, जहाँ पे देश प्रदेश भर के लोगों का आना जाना लगा रहता है। दिवाली का त्यौहार अभी बीता ही है और प्रदेश में एक बहुत बड़ा त्यौहार आने वाला है, विधानसभा चुनाव का। ऐसे में हर छोटी बड़ी पार्टी अपने अपने हर काम को मजबूत करके लोगों के सामने दिखाने में जुट गई है। यहाँ पर हम आए हैं लोगों से ये जानने के लिए कि वो 2022 के चुनाव के बाद किसका चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों का आना जाना लगा हुआ है। कुछ यात्री यहाँ पे पहले से बैठे हुए हैं, कुछ अभी बस स्टेशन पे उतरे हैं और अपने घर जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो त्योहार मनाने के बाद अपने घरों को लौट रहे हैं। ऐसे में आइए हम बात करते हैं, देखते हैं कि जनता क्या कहना चाहती है। बहुत सही जवाब दे गए अंकल जी। अंकल जी ने जो जवाब दिया है बहुत सही जवाब दिया है। पूरा देश प्रदेश दोनों को बर्बाद कर दिया है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे यूपी गवर्नमेंट हो, बर्बाद करके रखा हुआ है। आदमी इतना सही से खा पा रहा है, महंगाई कहाँ से कहाँ चली जा रही है। लेकिन वही है कि जिसका लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब किताब है, जो आदमी सही बोले वो देशद्रोही है। सर अभी वहाँ पे एक लोगों से बात हुई, उन्होंने ये कहा कि योगी सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। क्या क्या किसी आपने महिलाओं से किसी महिला ने बताया उनके लिए क्या किया है? नहीं, महिलाओं के लिए किया है तो किसी महिला ने ये बताया, किसी महिला ने ये बताया कि मेरे लिए क्या किया है? कोई जो भी हुआ है सब खाली पेपर पे हुआ है, कागज पे हुआ है, जमीनी स्तर पे कुछ नहीं हुआ है। जमीनी स्तर पे सब बर्बाद हुआ है। सर 2022 में आप मुख्यमंत्री के रूप में किसका चेहरा देखते हैं? देखिए ऐसा है, इस बार तो 99% तो हमारा ये है कि फिर से देश को कांग्रेस ही संभालेगी। और जो कांग्रेस जिस तरह से देश चला रही थी, लोग कहने को कुछ कहें, बहुत सही देश चल रहा था। आज लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने किया क्या है, कांग्रेस ने किया क्या है, तुमने क्या किया? बाप दादा की वही वाली बात है, बाप दादे की कमाई नाकारा औलाद ने गवाई, वही वाला हिसाब किताब है। देश में कंप्यूटर लाने वाली कांग्रेस, टीवी लाने वाली कांग्रेस, इंटरनेट लाने वाली कांग्रेस, टेलीफोन लाने वाली कांग्रेस। आज हमारे देश का कोई भी बड़ा MLA मंत्री हो चाहे कोई हो, वो बीमार होता है तो सीधे एम्स जाता है। एम्स किसने बनवाया है? तो क्या उत्तर प्रदेश में अभी भी आपको लगता है कि कांग्रेस का अस्तित्व बचा हुआ है? कांग्रेस यूपी की, मतलब यूपी की सरकार में कांग्रेस अपनी जगह बना सकती है? बना रही है, बनाएगी। अंडरग्राउंड चल रहा है, कांग्रेस की सीट आने वाली है बहुत पक्की। सर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो सर कांग्रेस की सरकार में आप मुख्यमंत्री का चेहरा किसे मानते हैं? अब अभी तो जब उनकी पार्टी में ही किसी को उन्होंने नहीं सामने किया है कि मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे, ये तो पार्टी के जो हाईकमान का फैसला होता है उसी पे डिपेंड है। कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी लगातार जमीनी स्तर पर जाके लोगों से मिल रही हैं, उनसे बातचीत कर रही हैं, तो आप प्रियंका गांधी को क्या उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में देख सकते हैं? देखिए देख तो सकते हैं, लेकिन ये वो बनेंगी नहीं मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री बनेंगी नहीं, वो दूसरे को सीट देंगी लेकिन मुख्यमंत्री वो बनेंगी नहीं। वो पार्टी के लिए और देश हित में काम करेंगे जिस तरह कर रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री वो नहीं बनेंगे, वो खुद भी नहीं बनेंगे। सर ये बताइए आप योगी सरकार के कार्यकाल को किस नजरिए से देखते हैं? आपको क्या लगता है योगी सरकार ने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया? अभी जो भाई साहब ने बताया वही सही है सब चीज, हम क्या बोलेंगे अभी, वो जो है उन्होंने बता दिया। अभी भाई साहब ने जो बताया वो सब सही बताया। मतलब आप भी योगी सरकार से खुश नहीं है? खुश नहीं है, कोई नहीं खुश है, हम ही नहीं, कोई भी नहीं खुश है। ज्यादातर 90% जनता खुश नाखुश ही है। प्राइवेट स्कूलों को इतना बढ़ावा दे दिया है, सरकार बनी थी तो प्राइवेट स्कूलों पे ये होगा वो कुछ नहीं हुआ, प्राइवेट स्कूलों को में वो शिक्षा नहीं रहेगी, उन्होंने एक बिजनेस बना लिया है। सर आप स्कूल की और शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो अभी योगी सरकार ने ये ऐलान किया है कि इस बार बच्चों को स्कूल के ड्रेस और कॉपी किताब की जगह पैसे दिए जाएंगे, तो आप बताइए ये कहाँ तक सही साबित होगा, क्या होगा इसका असर? अरे 100 रुपए दे के 500 खींच लेंगे, 100 रुपए देंगे 500 खींच लेंगे, इधर से 100 दे देंगे उधर किसी चीज पे बढ़ा देंगे।
स्टेशनरी पे बढ़ जाएगा पैसा, यूनिफॉर्म पे बढ़ जाएगा पैसा, 100 रुपए दे देंगे, जो चीज 100 रुपए की होगी वो 150 की लेगा आदमी, 50 तब भी अपनी जेब से लगाएगा। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि कोरोना काल के कारण योगी सरकार को पूरा समय नहीं मिला, इसलिए वो अच्छा काम नहीं कर पाई। सब कहने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना काल में क्या चीज नहीं हो रही थी, क्या चीज नहीं हो रही थी, हर काम हो रहा था, ये बात अलग है। कुछ काम ऐसा हो रहा था कि स्पीड से हो रहा, कुछ स्लो हो रहा था, हर काम अपने स्तर से हो रहा था। हर चीज रुकावट आई थी, ब्रेक लगा था, हर चीज में लगा था, लेकिन कहिए कि ऐसा नहीं। हाँ, जिस चीज पे काम करना चाहिए, कितने ऑक्सीजन के उस पे हो, कितने जो है तो बस खाली मास्क और सैनिटाइजर, हाथ धोइए, साबुन से धोइए, दिन भर धोइए, बस इसी पे पब्लिक को घुमा घुमा के रख दिया है। किसी जमीनी स्तर पे किसी से इतने ऑक्सीजन की कमी से लोग हॉस्पिटल में मरे, घरों में मरे, कहीं कोई उनका मंत्री, कोई छोटा नेता किसी के घर पहुंचा हो कि दिखाने बताने के, उसके कुछ हाल लेने के, भाई हाँ आपके क्या है, कुछ नहीं कहने के लिए तो कहा करते हैं उसमें तो नहीं। लेकिन गरीब आदमी की हर तरफ से मरण है, चाहे वो योगी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे सपा की सरकार हो, बड़ा बड़ा होता जा रहा है, छोटा छोटा होता चला जा रहा है। मतलब आपके हिसाब से योगी सरकार ने इन 5 सालों में कोई भी विकास का काम नहीं किया? तो आप अगर यही लखनऊ शहर की हैं तो आप भी देख ही रहे हो विकास के नाम पे क्या हो रहा है। सर, पूरी तरह से योगी सरकार के विपक्ष में है, सर को योगी सरकार का कोई भी काम पसंद नहीं आया है। भैया ये बताइए, योगी सरकार के 5 साल पूरे होने वाले हैं, योगी सरकार अपने कामों की गिनती कराए जा रही है, हर जगह बोर्डिंग्स लग रही हैं, होर्डिंग्स लग रही हैं, प्रचार प्रसार बहुत तेजी से हो रहा है, आपके हिसाब से योगी सरकार का कार्यकाल कैसा रहा? हमारे हिसाब से ये रहा कि 5 साल में उन्होंने कुछ भी नहीं किया, हम लोगों के सिवाय मजबूरी के अलावा और कुछ भी नहीं हुआ। लॉकडाउन किया, उसके बाद हम लोगों को भी दिक्कतें हुई, कोई सुविधा नहीं मिली, हम लोग परेशान रहे, ऑटो चलाने में भी दिक्कत, चला भी रहे थे लॉकडाउन में तो भी जीके जीके चलान किया जा रहा था। योगी सरकार ने ये कहा था कि ऑटो चालक चलेंगी, ऑटो तो भी नहीं, चला भी रहे थे तो भी जीके जीके हम लोगों का चलान हो रहा था, हर चक्कर हमने अपना खुद चलान कराया, ये समझ लीजिए हम लोगों को समस्या हर चक्कर उठानी पड़ रही है। इनके सरकार में कोई सुविधा मिली भी नहीं। ये बताइए, आप 2022 में मुख्यमंत्री का चेहरा किसे देखते हैं? हमारे हिसाब से तो अखिलेश का भी चेहरा देखना ही पड़ेगा। आप रोजमर्रा के अखबार से कमाने खाने वाले लोग हैं, तो कोरोना काल के समय में आपका समय कैसे बीता, आपके घर पे क्या परेशानियां हुई? बहुत मैम, बहुत दिक्कतें पड़ गई हम लोगों को, ये समझ लीजिए कि खाने पीने से भी समझ लीजिए कुछ भी सहारा नहीं था। वो हम लोगों का दिल जानता है कि किस तरीके से हम लोगों ने काटा है, वो हम लोगों का दिल ही जानता है। तो सरकार ने तो कई वादे किए कि हमने राशन दिया, ये किया, वो किया, ये बताइए आपको सरकारी लाभ कोई भी मिला? कुछ भी नहीं मिला मैम, कुछ भी नहीं मिला। अब जिसको मिला होगा, मिला होगा। सरकारी लाभ वही मिला कि डेली गाड़ी चलाना, डेली कुआं खोदना, डेली पानी पीना, बस यही लाभ है, बाकी कोई लाभ नहीं हम लोगों के लिए, कोई लाभ नहीं। सीएनजी पे पैसा बनना है, पैसेंजर से पैसा मांगो तो पैसेंजर बहस करती, तो पैसेंजर के पास भाई पैसा तो आ नहीं रहा, तो पैसेंजर पैसा देगी भाई, सीधी सी बात है। महंगाई यहाँ से वहाँ जा रही है, अब हम लोग अपना घर बताइए कैसे चलाएं, कहाँ से पैसा लाएं बताइए आप, कहीं से 1 रुपए का सहारा नहीं है हम लोगों के पास। इनका कहना है कि योगी सरकार में आपराधिक मामले सबसे कम हुए, योगी सरकार ने क्रिमिनल्स के खिलाफ जो कदम उठाया वो किसी सरकार ने नहीं किया, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जो लोगों की ये राय है कि अपराध कम हुए हैं योगी सरकार में, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कोई अपराध कम नहीं, अपराध कहीं से कोई अपराध नहीं कम है, हर जगह वही हो रहा है, बस हम दिखता था लेकिन अब बस नहीं, अब दिखता कम है, बिकता ज्यादा है, बात वही है, घूम फिर के चाहे तो लूटा जा रहा, हर चीज तो बेच दिया जा रहा है, या खरबूजा चाकू पर गिरे, कटना खरबूजे की ही है। सर, आप अभी जैसे कह रहे थे कि योगी सरकार ने प्रचार प्रसार में बहुत पैसे लगाए, बहुत पैसा लगा दिया प्रचार में, हर जगह प्रचार ही प्रचार, बोर्ड दिख रहा है, ये करा दिया, वो करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया, दिखता कुछ नहीं, खाली बस करा दिया है। अगला चेहरा यूपी का मुख्यमंत्री कौन है? मैंने प्रधानमंत्री योजना वाला अपना अगले प्रधानमंत्री योजना वाला फॉर्म भरा था, आज तक नहीं हुआ, वो लोगों को दिखा रहे मैंने इतना मकान दे दिया, इतना मकान दे दिया, ऑनलाइन फॉर्म भरा, आज तक की रिकॉर्डिंग में है ही नहीं मेरा, और क्या करूँ, जिसके पास है उसको मिल रहा, जिसके पास नहीं उसको तो मिलेगा ही नहीं। अच्छा, अखिलेश यादव क्यों, नए चेहरा भी कोई हो सकता है? अखिलेश यादव ही आएंगे, बाकी कोई चेहरा नहीं आएगा, ये बात तो निश्चिंत है।
अखिलेश यादव का कोई ऐसा काम बताइए जिससे आपको लगता बहुत से काम है, बहुत से काम है। अखिलेश लखनऊ में कम से कम 20 ओवर ब्रिज बनवाया। अखिलेश राज में कोई आम जनता पब्लिक कोई भूखी नहीं मरी, सीधी बात है। हर कोई तमाशा खा रहा था, हर कोई तमाशा खा रहा था। अखिलेश यादव ने विकास किया जी बिल्कुल बहुत, और योगी सरकार ने हिंदुत्व को बढ़ावा दिया, तो क्या विकास हिंदुत्व को हरा देगा इस बार? नहीं नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता है। बट जो योगी सरकार जो कर रहे हैं, कुछ काम ऐसा कर रहे हैं बहुत ज्यादा गलत कर रहे, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब एक ही है ना। खून काटो तो एक ही निकलेगा ना। मैं हिंदू हूँ, विमल श्रीवास्तव हूँ, मगर मुस्लिम का खून काटो मेरा खून काटो देखते अलग निकलेगा। ये केवल लड़ाने का बढ़ावा दिया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। क्या हो रहा बताइए हमको आप। एक तरफ जहां योगी सरकार प्रचार प्रसार करके अपने काम गिनाने की कोशिश कर रही है, वहीं जमीनी हकीकत कुछ और है। लोगों में बीजेपी के लिए आक्रोश है कि बीजेपी ने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, वो मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें दोबारा नहीं देखना चाहते। अब 2022 में मुख्यमंत्री कौन होगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। अब बने रहिए जनसंदेश टाइम्स के साथ, मुझे दीजिए इजाजत।